सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच. सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग दैट दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम दैट इज अवेलेबल फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, राइट? तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेने से क्या फायदा होगा, कैसा रिजल्ट्स मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर हमने अचीव किया है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, राइट? तो देखना, जब हम मेंटरिंग वर्ड सुनते हैं तो मेंटरिंग का मतलब ही क्या निकल के आता है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मेंटरिंग? कि एक मेंटर है जो क्या कर रहा है, मैं मेंटरिंग प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है ना. मतलब किसी मेंटर, किसी गुरु के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं, एंड देयर इज अ मेंटर हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर डेली नीड्स. तो सिमिलरली यहां पे भी मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर एक मेंटर असाइन कर दिया जाता है एक स्टूडेंट को, जो टेक केयर करता है ऑफ ऑल हिज एकेडमिक नीड्स. अब देखना, ये जो मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले अपना मेंटरिंग लेकर आया था 2018 के अंदर. उससे पहले ये मेंटरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब मेंटरिंग का कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं था. 2018 के अंदर अपना मेंटर सबसे पहली बार मेंटरिंग का प्रोग्राम लेकर आया था, जिसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को लिया था अपने मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर. और आप बिलीव नहीं करोगे, 20 स्टूडेंट्स में से 17 स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे. बट उसके बाद हमने मेंटरिंग प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अगेन हमारा जो फोकस था उस वक्त पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज में था, और हमें लगा कि यार अगर हम मेंटरिंग कंटिन्यू करते हैं सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो शायद हम वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे. तो अपना मेंटर को हमेशा जो यू नो परवाह होती है वो अपने क्वालिटी की होती है, कि यार हम लोग कोई चीज तभी करेंगे अगर हम क्वालिटी दे पाएंगे. तो हमने मेंटरिंग ड्रॉप कर दिया. अब 2 साल के बाद फाइनली जब अपना मेंटर को लगा कि वो जो टीम है पूरी की पूरी रेडी है, एंड नाउ वी कैन अगेन स्टार्ट द मेंटरिंग प्रोग्राम, तो हमने 2 साल के बाद दोबारा मेंटरिंग प्रोग्राम रीलॉन्च किया, राइट? तो लास्ट ईयर हमने दोबारा से मेंटरिंग प्रोग्राम रीलॉन्च किया, और पिछले 2 अटेम्प्ट से हम लोग मेंटरिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं. बट अगेन यहां पे हम लोग सिर्फ सिलेक्टिव बेसिस में स्टूडेंट्स ले रहे हैं, भर नहीं रहे स्टूडेंट्स को. हमारा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को भरना नहीं है, हम सिर्फ सिलेक्टिव बेसिस में स्टूडेंट्स ले रहे हैं. गिनती के 200 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं पर अटेम्प्ट, और उन 200 स्टूडेंट्स को ही मेंटरिंग प्रोवाइड किया. और अगर मैं बात करूं तो यानी कि 2 अटेम्प्ट के अंदर हम 400 स्टूडेंट्स की मेंटरिंग कर चुके हैं, और उन 400 स्टूडेंट्स में से अराउंड 300 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एज वेल. और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं, कोई एक आधा सब्जेक्ट में एग्जम्पशन है. तो दैट इज द ट्रैक रिकॉर्ड टिल नाउ. बिकॉज हम चाहते ही नहीं थे कि हम 1000-2000 बच्चे भर लें, क्योंकि अगर हम 1000-2000 बच्चे भर लेंगे ना तो वहां पे फिर क्या होगा कि यार वहां पे ना जो सर्विस जो हम देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, और ये जो पास परसेंटेज 70-80% निकल के आ रहा है वो शायद ड्रॉप हो जाएगा. तो वो चीज हम नहीं चाहते. तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से सोच रखा था कि यार अपने को एक स्टैंडर्ड फीस स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, लिमिटेड फीस लेना है, लिमिटेड स्टूडेंट्स लेने हैं, एंड अकॉर्डिंगली अपने को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. वी डोंट वॉन्ट टू गो इन ए रेस कि भैया ठीक है यार कम फीस रख दो, बच्चों को भर लो, और उसके बाद वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड ना कर पाओ. तो वो चीज अपने को नहीं करना. तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ आर मेंटरिंग प्रोग्राम. नाउ इस मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होने वाला है एग्जैक्टली, आई कैन से यू वन थिंग, दिस इज गोइंग टू बी बून फॉर ऑल द सीए फाइनल स्टूडेंट्स. फिलहाल सीए इंटर के लिए ये अवेलेबल नहीं है, जल्द आने वाला है. तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही एक बच्चा एनरोल करेगा मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए, एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा टू द स्टूडेंट. अब वो मेंटर क्या करने वाला है, स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहने वाला है, वो मेंटर स्टूडेंट के साथ जुड़ा रहने वाला है टिल द एग्जाम्स, जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं ना. जिस दिन वो जाकर एग्जाम दे नहीं देता ना, तब तक वो मेंटर स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेगा. सबसे पहले वो मेंटर क्या करेगा, देखो सबसे पहले मेंटर स्टूडेंट को समझेगा, स्टूडेंट की प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, बिकॉज हर एक स्टूडेंट अलग है. एक स्टूडेंट सिंगल ग्रुप दे रहा है, एक स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहा है, एक स्टूडेंट यू नो आर्टिकलशिप कर रहा है, एक स्टूडेंट जॉब में है, एक स्टूडेंट फुल टाइम स्टडीज कर रहा है, एक स्टूडेंट ने सारी कोचिंग्स कर रखी है खाली सेल्फ स्टडीज बाकी है, दूसरा स्टूडेंट है जिसको कोचिंग्स के साथ में प्लान आउट करने हैं. तो हर एक बच्चा अलग है. एक स्टूडेंट है जिसका ऑडिट वीक है, दूसरा स्टूडेंट है जिसका कॉस्टिंग वीक है. तो यार हर एक स्टूडेंट अलग है. तो ऑब्वियस चीज है यार, यहां पे ना हम एक कॉमन लिस्ट बनाकर, कॉमन स्टडी टिप्स बनाकर सारे बच्चों को नहीं शेयर कर सकते. जो आपको मार्केट में बहुत सारा मेंटरिंग प्रोग्राम्स दिखता है ना, जहां पे आप बोलते हो सर फीस तो इतनी कम है, तो वहां पे वो यही किया जाता है कि दे टेक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे शेयर दैट कॉमन थिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स. बट यहां पे हम वो चीज नहीं कर सकते. हमें हर बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स को समझना होगा, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को समझना होगा, उस बच्चे का स्वॉट एनालिसिस करना होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, उस बच्चे को गाइड कर पाएंगे.
तो वो मेंटर क्या करने वाला है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने वाला है विद इन 24 आवर्स। जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं ना, डिटेल्ड क्वेश्चनर दिया जाता है और क्वेश्चनर के बेसिस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप एक डिटेल्ड क्वेश्चनर सबमिट करें जिसमें बहुत सारी चीजें स्टूडेंट से पूछी जाती है एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वहां पे रिस्पॉन्ड करता है। बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन है मेंटर को समझ में आ जाता है कि ओके स्टूडेंट्स के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उसके पास कितना टाइम अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग की जाती है। स्टूडेंट के लिए मेंटर प्लान्स बनाता है। अब ये जो प्लान है ये यूनिफॉर्म नहीं होता सारे बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए अलग प्लानिंग होती है। तब सोच सकते हो कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट द मेंटर अंडरटेक्स। अब प्लानिंग के अंदर मेंटर असाइन करता है कि यार तेरे पास कितने घंटे अवेलेबल हैं, इन घंटों में तुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, कैसे थ्योरी करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिकल करना चाहिए। वरना अगर एक बच्चा अपने आप पढ़ रहा होता तो शायद वही स्ट्रॉन्ग जो उसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसी को बार बार पढ़ रहा होता और जो वीक सब्जेक्ट है उसको इग्नोर कर रहा होता, शायद प्रैक्टिकल नहीं कर रहा होता, थ्योरी नहीं कर रहा होता। तो बट यहाँ पे जो मेंटर है ना वो प्रॉपर तरीके से प्लान आउट कर देगा चीजों को, अपने आवर्स किस तरीके से एलोकेट करने हैं, अपने टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, वो स्टडी टिप्स प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को और वो स्टडी टिप्स यूनिफॉर्म नहीं होंगे, हर बच्चे के लिए सेम नहीं होगा, डिपेंड करेगा स्टूडेंट के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर एंड अकॉर्डिंगली उसे स्टडी टिप्स दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बोलेगा यार सर जब मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो उसके स्टडी टिप में ये बोला जाएगा कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो और फिर पूछा जाएगा कि क्या आप सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अगर एक बच्चा रात को जाकर अच्छे से पढ़ सकता है तो अकॉर्डिंगली उसको बोला जाएगा कि बेटा आपने रात को पढ़ना है। हम यूनिफॉर्म कोई चीज नहीं बोल सकते कि आपने सुबह 5 बजे उठना है फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, तो हर बच्चे का अलग प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। फिर उसके अलावा बच्चे को डेली टास्क असाइन किया जाएगा डेली बेसिस में, आज तुमको ये पढ़ के रखना है और फिर उसको फॉलोअप भी किया जाएगा। मतलब बचपन में जैसा होता था ना कि मम्मी आपको टास्क असाइन करती थी और फिर मम्मी का डर रहता था कि मम्मी चेक करने वाली है, वो क्लास टीचर आपको टास्क असाइन किया करती थी और क्लास टीचर बाद में चेक किया करती थी या क्या करते थे सर कि आपने अच्छे से किया कि नहीं, वो एक डर रहता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेली टास्क मेंटर असाइन करेगा, डेली बेसिस में फॉलोअप लेगा कि आपने वो डेली टास्क पूरा किया कि नहीं किया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कंटिन्यूअस स्टडी चैलेंजेस मेंटर आपके ऊपर थ्रो अप करेगा। उसके अलावा कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है हर एक स्टूडेंट का मेंटर। कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट इज मेंटेन कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना दिन में फांकी मार रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है, कितने आवर्स के सब्जेक्ट को एलोकेट कर रहा है, मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उस बच्चे का मेंटेन किया जाता है। उसके बाद सीए की जर्नी में क्या होती है कि हमारा जो मोटिवेशन है ना वो बीच बीच में खत्म होने लगता है। तो अगर एक ऐसा बंदा हो जो कंटिन्यूअसली हमें ड्राइव कर सके, कंटिन्यूअसली हमें मोटिवेट कर सके तो मजा आ जाए, तो मेंटर वो काम करता है। मेंटर आपको कंटिन्यूअस बेसिस में मोटिवेट करते रहता है। फिर आपको आपका जो मेंटर है वो रैंडम बेसिस में ना आपके टेस्ट कंडक्ट करते रहता है। मतलब मान लो आपको असाइन किया गया कि आज आप कैपिटल बस्टिंग पढ़ के आओगे ऐसा फैम में, तो कैपिटल बस्टिंग आपने बोला मेंटर को कि मैंने पढ़ लिया, तो कोई भी रैंडम एक आधा क्वेश्चन मेंटर आपको दे देगा कैपिटल बस्टिंग का, आपको टाइम एलोकेट कर देगा कि इतने देर में मेरे को ये कैपिटल बस्टिंग का सम सॉल्व करके दो और आपने सॉल्व करके देना है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का रैंडम टेस्ट लिया जाएगा, राइट। उसके बाद कंटिन्यूअस गाइडेंस होगा टिल एग्जाम्स, कंटिन्यूअस गाइडेंस। अब ये जो सारे फीचर्स है ना ये तो सिर्फ कुछ फीचर्स है मेंटरिंग प्रोग्राम के। आप अगर वेबसाइट देखोगे www.apnamentor.com जो हमारा वेबसाइट है जहां से आप प्रीमियम मेंटरिंग या फिर अदर मेंटरिंग प्रोग्राम्स के लिए एनरोल कर सकते हो, तो आप देखोगे ढेर सारे फीचर्स हैं, ये सिर्फ कुछ ही फीचर्स है। बिकॉज हमारी आदत नहीं है कि हम आपको पहले बहुत ज्यादा बता दें और लास्ट में आपको बहुत कम डिलीवर करें। We deliver more than what we promise. Either we don't promise or we deliver what more than what we promise. Right? अब देखना कौन एनरोल कर सकता है इस मेंटरिंग प्रोग्राम के लिए। तो भाई हर कैटेगरी का बच्चा एनरोल कर सकता है, हर कैटेगरी का। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप क्लासेस ले चुके हो बट टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो रही है, क्लासेस कैसे कंप्लीट करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। सर बोथ ग्रुप है, बर्डन बहुत ज्यादा है, मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सर मेरी मोटिवेशन की कमी है, आई सर्च फॉर कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। मुझे लगता है कि सर मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं बट मुझे वो जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए वो रिजल्ट्स प्रॉपर ढंग से निकल के नहीं आ पा रहा, तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम आपकी मदद कर सकता है। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है, राइट। इट कैन हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब देखना यहां पे हमारे पास 3 तरीके के मेंटरिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के मेंटरिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। मैं आपको वेबसाइट के VI गाइड कर देता हूं। तो देखना यहाँ पे अपना मेंटर.com जब आप विजिट करते हो यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस का टैब दिखाई देता है।
तो अब जब आप इस ऑनलाइन क्लासेस के टैब में विजिट करते हो ना, तो आपको पहला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है अपना मेंटर्स मेंटरिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, व्यू क्लासेस के अंदर सेलेक्ट करोगे। अब आप देखोगे आपको तीन तरीके के मेंटरिंग प्रोग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा जनरल मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, दूसरा दिखाई दे रहा होगा प्रीमियम मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एंड तीसरा दिखाई दे रहा होगा इलाइट मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। तो ये किस तरीके के मेंटरिंग प्रोग्राम्स हैं, इन नेचुरल आपको बता देता हूं मैं। अभी तक हमने मेंटरिंग प्रोग्राम के जितने भी फीचर्स डिस्कस किए हैं, जो भी मैंने आपको बताया है मेंटरिंग प्रोग्राम के बारे में, वो चीज तीनों ही मेंटरिंग पैकेज में एग्जिस्ट करती है, तीनों मेंटरिंग पैकेज में एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप अगर प्रीमियम मेंटरिंग लेते हो ना, तो इसमें एक एडेड एडवांटेज क्या होता है कि आपको कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज पैकेज साथ में मिल जाता है। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप का आपने मेंटरिंग लिया, आपने प्रीमियम मेंटरिंग ले लिया, तो फर्स्ट ग्रुप के चारों सब्जेक्ट्स का ना आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज का पैकेज मिल जाएगा, डिटेल टेस्ट सीरीज का पैकेज मिल जाएगा। मतलब FR, SFM, ऑडिट, लॉ, हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क का टेस्ट, और ऑडिट लॉ के लिए एक MCQ टेस्ट। अगर आपने लिया है सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप के चारों सब्जेक्ट्स DT, IDT, राइट, कॉस्टिंग, इलेक्टिव, एंड अगेन चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट, MCQ टेस्ट। इलेक्टिव अगर आप ले रहे हो तो फिलहाल सिर्फ इकोनॉमिक लॉस के अवेलेबल है, टेस्ट पेपर्स। तो यहां पे आपने टेस्ट पेपर्स भी साथ में मिलेंगे। तो अब ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये इतना कॉम्प्रीहेंसिव अपने आप में कि यार हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क टेस्ट, एक MCQ टेस्ट, मतलब तुम बस सॉल्व करते रहो, टेस्ट देते रहो, और जो इवैल्यूएटर्स हैं वो इवैल्यूएट करते रहेंगे, आपकी कमियों के बारे में आपको बताते रहेंगे, और मजा आ जाएगा आपको टेस्ट देते देते देते। अब मेंटरिंग के साथ जो टेस्ट जुड़ जाता है ना, उसका एडेड एडवांटेज क्या होता है, प्रीमियम मेंटरिंग का जो एडवांटेज है कि यार नॉर्मली अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आप खुद अपने हिसाब से टेस्ट देते हैं, हो सकता है कि कुछ टेस्ट स्किप भी हो जाते, लेकिन यहां पे तो भैया मेंटर आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो मेंटर इंश्योर करेगा तुम रेगुलर बेसिस में टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, मेंटर तुमको बताएगा यहां पे कि बेटा तुमने टेस्ट दिया कि नहीं दिया। जो टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएटर है वो तो इवैल्यूएट कर ही रहा है आपके पेपर्स को, बट मेंटर भी यू नो सेकंड लेवल का चेकअप लगाएगा कि भैया तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया, अच्छे से तुमने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, तुमने टेस्ट में खराब परफॉर्म क्यों किया। तो मेंटर भी एडिशनली तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मतलब तुम समझ लो कि भैया टेस्ट सीरीज और मेंटरिंग का कैसा कॉम्बो पैकेज है ये, कि अगर आपने ढंग से मेंटर की बात मान ली और साथ में जो टेस्ट पेपर्स आपको मिल रहे हैं आपने दे दिए, तो 90% श्योर है कि भैया तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। और जो इलाइट मेंटरिंग प्रोग्राम है, मैं आपको बता सकता हूं इससे ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं आपको ये चीज राइटिंग में लिख के दे सकता हूं कि इससे ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव मेंटरिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द ओनली मेंटरिंग प्रोग्राम इन पैन इंडिया बेसिस जहां पे अपना मेंटर के जो मेंटर्स हैं वो तो आपको मेंटरिंग दे ही रहे हैं, प्रीमियम मेंटरिंग के अंदर जो आपको कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज प्रोग्राम मिला था वो भी आपको मिल रहा है, बट साथ में यहां पे क्या हुआ इलाइट मेंटरिंग के अंदर कि जो अपना मेंटर की टीम है उन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद आर्ट ऑफ लिविंग। अब आर्ट ऑफ लिविंग का आपने नाम सुना होगा, दैट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ अपना मेंटर की टीम ने कोलैबोरेशन किया, और इस कोलैबोरेशन के अंदर हमने क्या डिसाइड किया, बोला कि यार जो अपना मेंटर के मेंटर्स हैं वो बच्चे के एकेडमिक नीड्स का पूरा ध्यान रख लेंगे। ठीक है यार, हमने यू नो कंटिन्यूअस बेसिस में मोटिवेट कर दिया, प्लान्स बना दिए, फॉलो अप कर लिया, ट्रैकिंग कर ली, स्टडी टिप्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, हमने टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया। बट एक मेंटल हेल्थ भी होता है एक सीएस स्टूडेंट का, और मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है एक सीएस स्टूडेंट के लिए, बिकॉज सीए का जो जर्नी है ना, अगेन मेंटली बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करता है। तो यहां पे जो आर्ट ऑफ लिविंग की टीम है वो हेल्प करता है कि भाई जो अपना मेंटर की टीम है वो तुमको एकेडमिक असिस्टेंस दे रही थी, और हम तुम्हारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। अब आपको लग सकता है क्या मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे सर, क्या फालतू की बातें हैं सर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे, इसका मतलब आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा निकलेगा, इसका मतलब अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे आप 12 घंटा दिन में पढ़ पाओगे, इसका मतलब पहले पढ़ते वक्त शायद यू नो आप डिस्ट्रैक्ट होते थे, 10 चीज आपके दिमाग में आती थी लेकिन उसके बाद डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, आप फोकस वे में पढ़ पाओगे। तो कितना बेनिफिट मिलेगा सोच भी नहीं सकते अगर आपका मेंटल हेल्थ साथ में एड्रेस हो गया। तो आर्ट ऑफ लिविंग की टीम यहां पे क्या करती है, वो अपने बेस्ट मेंटर्स को लेकर आती है पूरे इंडिया में, और वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करती है कुछ सेशंस जिसके अंदर वो आपके यू नो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती है। वो आपको कुछ ऐसे टेक्निक सिखाते हैं, कुछ ऐसे पाथ सिखाते हैं कि अगर आप डेली बेसिस में वो चीजें कर लो तो आप देखोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ जाएगा, आपका फोकस 10 गुना बढ़ जाएगा। उसके अलावा आप जब एग्जाम क्लियर भी कर लोगे तो उसके बाद भी आप जब इंटरव्यूज वगैरह देने वाले हो तो उससे पहले भी आर्ट ऑफ लिविंग की टीम आपके लिए कुछ सेशंस कंडक्ट करेगी कि हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। मतलब सोने में सुहागा वाला चीज है ये, इलाइट मेंटरिंग जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लेने के लिए तैयार है तो मैं बोल सकता हूं कि इलाइट मेंटरिंग इज समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ।
एंड नॉट ओनली टू क्लियर सी एग्जामिनेशंस बट टू अचीव द एक्सलेंस इन लाइफ, क्योंकि यहां पे अपार्ट फ्रॉम मेंटरिंग, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक गाइडेंस, अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज पैकेज, आपके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, आपके फोकस, आपके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया जा रहा है, और एक बार वो चीज हो गया ना तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो इलाइट मेंटरिंग एक अलग ही चीज है, और इलाइट मेंटरिंग के अंदर ना हम लोग गिनती के 50 एनरोलमेंट्स लेते हैं, खाली 50 एनरोलमेंट्स, क्योंकि अपने को क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंश्योर करना है। तो देखना ये तीन तरीके के मेंटरिंग पैकेजेस हैं, आप इन तीन तरीके के मेंटरिंग पैकेजेस के अंदर जाओगे अगर, इफ यू जस्ट क्लिक द मेंटरिंग पैकेज, तो आप देख पाओगे कि यू नो अटेम्प्ट पूछ रहा है आपसे कि आपको कौन सा अटेम्प्ट के लिए चाहिए। अटेम्प्ट वाइज फीस अलग अलग है, अगेन जो फीस है वो एक स्टैंडर्ड फीस है, हम चाहे तो फीस कम करके स्टूडेंट्स को भर सकते हैं, बट हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा स्टूडेंट्स, हमें चाहिए लिमिटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बेस्ट क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है एक फीचर, मैंने तो आपको ओवरऑल एक व्यू दे दिया कि ओके दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मेंटरिंग प्रोग्राम, बट बिलीव मी और बहुत कुछ है। आप अगर यहां पे देखोगे अंदर जाकर तो पूरा डिटेल्ड में दिया हुआ है हर एक चीज। वहां पे आप देखोगे कि यार जो मेंटर्स है ना वो एडवांस टेक्निक यूज करते हैं आपके स्टडी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, राइट? तो एक बार देखना अच्छे से, गो थ्रू करना, वहां पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, सारा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एक बार जाकर अच्छे से रीड कर लेना सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे फीचर्स, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको लेना है या नहीं लेना है, राइट? एक क्लैरिफिकेशन मैं दे देता हूं आपको कि यहां पे ये जो मेंटरिंग प्रोग्राम है, जो मेंटर आपके साथ जुड़ा है, वो डेली बेसिस में फोन कॉल में आपके साथ जुड़ा नहीं रहेगा। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड नथिंग एल्स, राइट? ये जो पूरा का पूरा मेंटरिंग होगा ना, ये व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू होगा। बट बिलीव मी, आपको लग सकता है कि सर व्हाट्सएप के थ्रू कैसे होगा, बिलीव मी जो हमने सिस्टम डिजाइन किया है ना वो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि स्टूडेंट्स आर अचीविंग एक्सलेंट रिजल्ट्स। मतलब 70% से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, जो डेडिकेशन के साथ अपने मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, राइट? तो एक व्हाट्सएप का हमने मीडियम फॉलो किया है सो दैट अनवांटेड चीजें ना हो, अनवांटेड टाइम वेस्ट ना हो। तो व्हाट्सएप के थ्रू जो मेंटर है वो डेली बेसिस में आपको गाइड करेगा, आपके फीडबैक्स लेगा, आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, डेली बेसिस में ये काम होगा, एंड दैट विल बी थ्रू व्हाट्सएप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट समरी नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे आप अपने स्टडी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम फीडबैक्स की बात करें तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट करो तो आप देखोगे कि मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेंटरिंग का फीडबैक शेयर किया हुआ है। आप अगर टेलीग्राम चैनल में गो थ्रू करेंगे तो टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के मेंटरिंग के फीडबैक शेयर किए हुए हैं, राइट? एंड अगर मैं अभी फीडबैक दिखाने लग जाऊं तो अगला 10-15 मिनट से फीडबैक दिखाने में लग जाएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक है। तो यू नो जेन्युइनली आई कैन से दैट दिस मेंटरिंग प्रोग्राम इज एक्चुअली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। आज मैं आकर यूं ही आपको बोल के चला जाऊंगा कि भैया मेंटरिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तुम ले सकते हो, और फिर तुम मेंटरिंग प्रोग्राम ले लोगे, तुमको फायदा नहीं मिलेगा, तुम मुझे गालियां दोगे, तो उससे मेरा रेपुटेशन हार्म होगा एंड आई कैन नॉट रिस्क माई रेपुटेशन, राइट? तो अगर मैं कोई चीज आपको रिकमेंड कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज के लिए आपके सामने यू नो एक एश्योरेंस दे रहा हूं, तो डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट कि ये मेंटरिंग प्रोग्राम वाकई में आपकी जिंदगी बदल सकता है। बट अगेन इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। अगर आपको लगता है कि दिस मेंटरिंग प्रोग्राम कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, देन इन दैट वेरी सिनेरियो एनरोल फास्ट, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेते हैं इस मेंटरिंग पैकेज के अंदर। तीन मेंटरिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जनरल, प्रीमियम, इलाइट, तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है। बाकी वेबसाइट में जाकर आप डिटेल में विजिट कर सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9760400350 फॉर मोर क्वायरीज, और वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर कुछ बच्चे डिसलाइक करें, कुछ बच्चे पसंद ना करें कि सर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि जो 50 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे, उतने ही अपने को चाहिए मेंटरिंग के लिए, राइट? उससे ज्यादा हम लोग लेंगे नहीं। तो जो बच्चे मुझ पर भरोसा करके इस मेंटरिंग प्रोग्राम के अंदर जुड़ेंगे हमारे साथ और अपने मेंटर्स की बात मानेंगे, जुड़ने से खाली नहीं होगा कुछ भी, मेंटर्स की बात भी माननी होगी, तो आई कैन से यू वन थिंग दैट एक बार एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आप आओगे और आप मुझे सामने से थैंक यू कन्वे करोगे, सर थैंक यू फॉर दैट वीडियो, थैंक यू फॉर दैट इन्फॉर्मेशन ऑन मेंटरिंग दैट चेंज्ड आवर लाइव्स एंड वी आर चार्टर्ड फॉर दैट, राइट? सो होपफुली दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल एंड स्पेशली फॉर ऑल दोज हु एक्चुअली जॉइन द मेंटरिंग प्रोग्राम एंड क्लियर देयर सी एग्जामिनेशंस।